देखिए, अगर गुलदार की बात करी जाए तो इन दिनों गुलदार की दहशत मसूरी में साफ तौर से देखी जा रही है। मसूरी के कैंपटी क्षेत्र में यहाँ पर देर रात को एक गुलदार देखा गया, जिससे कहीं ना कहीं जो कैंपटी का क्षेत्र है वहां पर दहशत का माहौल है। और जब हमने इस संबंध में मसूरी वन विभाग के अधिकारी से बात करी तो उनका ये साफ तौर पर ये कहना था कि जो वीडियो वायरल हो रही है वो उनको भी देखा है, और इसको देखते हुए उन्होंने क्षेत्र में जो गश्त है वो काफी बढ़ा दी है। और उन्होंने लोगों से भी यहाँ पर अपील करी है कि वो भी सजग रहें। जी देखिए, अगर अधिकारियों की बात करी जाए तो अधिकारी लगातार यहाँ पर अब गश्त बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उनका जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि अपील भी की गई है कि वो जो बड़े सजग होकर निकले। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों यहाँ पर भी कई गुलदार के केसेस सामने आए हैं, और एक गुलदार की यहाँ पर एक बड़ा गुलदार जिसकी यहाँ पर मौत हो गई थी। तो ऐसे में देखा जाता है कि जो मसूरी के आसपास के क्षेत्र है यहाँ पर गुलदार की संख्या काफी बढ़ गई है, परंतु इन गुलदारों से अभी तक किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर नहीं घटी है, जैसे किसी को घायल किया गया हो या किसी को अपना निवाला बनाया हो। तो ऐसे में वन विभाग इसको काफी गंभीरता से नहीं देखता। उनका ये कहना था कि कई बार जो जानवर है, जो गुलदार है, वो भटक कर शहर की तरफ आ जाता है, और ऐसे में उनका ये मेन काम रहेगा कि वो किसी को हानि ना पहुंचाए, इसी के लेकर गश्त बढ़ाई जा रही है। और वैसे ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि लोग दहशत में आए, क्योंकि अमूमन मसूरी और आसपास के जंगलों में गुलदार की संख्या, और ये अच्छा संकेत है कि गुलदार की संख्या अब मसूरी और कैंपटी क्षेत्र में बढ़ रही है। जी